यदि रूट में 2 दिया है इज इक्वल टू 1.4142 हो तो 7/3 प्लस रूट में 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमको सॉल्व करना है, इसका प्रमेयीकरण करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, 7/3 प्लस रूट में 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस रूट 2, यहाँ प्लस है तो ये माइनस में चेंज कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो करें 7×21 7 का इसमें होगा तो हो जाएगा 7√2। ठीक है, और 3×3 में करेंगे 9 और √2×2 में करेंगे तो यहाँ -2। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करें तो यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा 7। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 3 और √2 बाई 9 में से 2 7, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ क्या बचा 3 √2। ठीक है, 3 √2 का मान कितना दिया है 1.4142। ठीक है, अब माइनस करेंगे इसमें से तो आपका कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 1.5858, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है क्वेश्चन, यदि रूट में दिया है 24 = 4.898 हो तो आपको क्या बताना है √8/3 का। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लेंगे, ठीक है, सॉल्व करें ये √8 और √3। ठीक है, और प्रमेयीकरण करेंगे √3 √3। ठीक है, करेंगे तो 8 3 का कितना हो जाएगा 24 रूट में। ठीक है, और 3 3 क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। ठीक है, 24 का वैल्यू कितना दिया है 4.898। ठीक है, यहाँ पर 3, अब डिवाइड कर दें हम इस साइड में करें 4.898 में। ठीक है, 4 3 1 3 4 3 गया 1, फिर 18 3 6 18। ठीक है, फिर यहाँ पर 9 3 3 9। ठीक है, और फिर 8 3 2 6, 8 में से 6 गया आपका 2 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे 3 6 18। ठीक है, तो आपका समथिंग इतना जाएगा 1.6326। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा।